हेलो फ्रेंड, आज मैं भाटली सर में आया हूँ। लोग देख सकते हैं क्लिनिक में आया हूँ और आज आप लोगों को मैं एक बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है, जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा जो चैनल जो है मेडिकल लवर चैनल है और मेडिकल रिलेटेड बहुत कुछ बात करेंगे। आज देखिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आज कुछ हम डिफरेंस कुछ दिखाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे बताया था दोस्त, अभी मैं वो डॉक्टर साहब के चैम्बर में हूँ, तो हम लोग अभी थोड़ा डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि एक्यूपंचर क्या है और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसमें और शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए रहता है कि उसमें परमानेंट इलाज होता है, और इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है क्या है, कुछ जानकारी लेंगे आज के वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आज का वीडियो बहुत अच्छा है और अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ कुछ बात करेंगे। आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल। सर नमस्कार। नमस्कार। और सर एक्यूपंचर क्या है और आप कब से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर? एक्यूपंचर ये थेरापी जैसा आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, एलोपैथिक है, पंचकर्मा है, यही ट्रीटमेंट जैसा एक थेरापी है, एक्यूपंचर थेरापी बोलते हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन लगता है ना, क्या कुछ कैसा सिस्टम क्या है इसमें? ये विदाउट ड्रग्स ट्रीटमेंट होता है, नीडलिंग करना पड़ता है, एक्यूपंचर पॉइंट है। एक्चुअली क्या है, अगर हमारा बॉडी में कोई चैनल ब्लॉक होता है तो वो डिजीज कंडीशन में आ जाता है, तो यही थेरेपी के माध्यम से हम उस पॉइंट को क्लियर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और एनर्जी फ्लो को बढ़ाते हैं जो कि डिजीज क्योर होता है। तो इसमें कौन कौन सा डिजीज में क्लियर होता है इसमें? एनी टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिक पेन, ट्राइजेमिनल न्यूरार्जिया, सर्टिका, फ्रोजन शोल्डर, पैरापेरेसिस, हेमिप्लेजिया, पैराथेरेसिस, ये सब डिजीज। अच्छा नहीं, और उसको थोड़ा हिंदी उड़िया में बोलेंगे तो क्या क्या बीमारी है वो? हमारे लोकल यूजर के लिए मेनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनको जानकारी मिले एक्यूपंचर के बारे में। तो जो ओडिया में बोलेंगे तो बीमारी को क्या क्या बोलेंगे? बात, जैसे बात, हाँ, बात का इलाज हो सकता है इसमें? हाँ, और क्या सब प्रकार बात, हाँ, पक्षाघात रोग, हमार एनी टाइप्स ऑफ पेन, जितना विभिन्न प्रकार दर्द रहे, मेडिसिन खाई सारा पर दर्द ना कमे, से केस मन को ट्रीटमेंट को, तो उसका परमानेंट इलाज है। हाँ, अगर किसी का पैरालिसिस हो रहा है और अगर वो ट्रीटमेंट कराए तो उसका कुछ चांस है कि सही होने का? हाँ। तो सर ये ट्रीटमेंट कैसा, कितना दिन का ट्रीटमेंट रहता है ये? 7-10 दिन तक हमारा ट्रीटमेंट लगती, प्रतिदिन हमें 20-40 मिनट तक स्टिमुलेट कर पॉइंट वन। 7-10 दिन तक लगेगा कम से कम, और 20 मिनट, एक दिन का 20 मिनट लगेगा। हाँ। उसमें कोई दवाई नहीं है, बस आप वो नीडल को पॉइंट में लगाएंगे, इंसर्ट करते हैं, और कुछ वो जो मशीन रहता है वो मशीन का क्या काम है? वो स्टिमुलेटर है। तो वेब के थ्रू स्टिमुलेट होता है।
तो डॉक्टर सर, ये ट्रीटमेंट जो है ये कब से ये चालू है? ये कितना पुराना, ये लाटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि ये पुराना टेक्नोलॉजी है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? एक्यूपंचर ट्रीटमेंट, एक्चुअल एक्यूपंचर ट्रीटमेंट हो एंशियंट ट्रीटमेंट, यानी कि एक्यूपंचर थेरापी हिसाब से वर्तमान व्यवहार करा जाउछ। हमार आयुर्वेदिक थेरापी अच्छे, होम्योपैथिक थेरापी अच्छे, एलोपैथिक थेरापी अच्छे, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक थेरापी अच्छे। सेटा जेनता थेरापी है, हमार एक्यूपंचर भी एंता गोटे थेरापी है जी सर, जेनता कि आम बिना मेडिसिन विभिन्न प्रकार नुआ रोग पुराणा रोग जेनता कि आमर विभिन्न प्रकार बात है, तपर आम पारालीसीस है, मोर एनी टाइप्स ऑफ न्यूरालजिक पेन है, ट्राइजेंडल न्यूरालजिया है, आमर विभिन्न टाइप रो हेडेक है, एनी टाइप्स ऑफ पेन एंड पैरालिसिस। एक्यूपंचर और ये एक्यूप्रेशर, ये मतलब जुड़ा हुआ नाम है कि अलग अलग है थोड़ा? एक्यूप्रेशर टा प्रेशर जाए से पॉइंट वन को, एक्यूपंचर टा पंचर करा है, पंचर करा माने नीडल माध्यम रे हमें विभिन्न पॉइंट वन को पंचर कर। तो एक्यूपंचर लेने के बाद कुछ योगा भी करना चाहिए क्या? हाँ, तो एडिशनल इफेक्ट अच्छे, योगा प्राणायाम कले आपणकर फ्लूटा अभी कर, मतलब अगर पेशेंट कर सकता है तो करना चाहिए, योगा भी उसके साथ करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अपन एक्यूपंचर संगे योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉकिंग ये सब जो कर पा रहे इफेक्टिव होगा। नहीं सर, आजकल क्या है ना, वो पेन का बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, घुटनों का पेन, कमर का पेन, लेडीज लोगों को ज़्यादातर कमर का पेन रहता है, तो ये सब जो परमानेंट रह गया है जिन लोगों का दर्द, उसका इलाज है क्या? इसमें परमानेंट इलाज है क्या? हाँ, तो कौन ऐसी हमारा जिन्हें क्रोनिक डिजीज हो गला सेटा किछिटा कोर्स करवाके पड़सी। हमर गुटे कोर्स के 7-10 दिन तक आम लेसुँ, आउ 10-10 दिन गैप रे हमर गुटे गुटे कोर्स कराएसी, तो कंटिन्यू करा लगसे सेटा डिजीज देखिकरी। मतलब डेली कि अल्टरनेटिव डे में? नहीं, एटा हमर दु प्रकार अछि, आम सेटा के अल्टरनेटिव डे रे भी करि पारमा ट्रीटमेंट, नहले डेली भी करी पार्मा। यदि हमें डेली करमा 10 डेज कंटिन्यू होगा, 10 डेज गैप हवा, और यदि हमें अल्टरनेटिव डे रे करमा वाले कंटिन्यू चलवा सेटा 20 दिन के लिए रहेगा, 20 डेज। हाँ, अब तो डिजीज क्यों रह पाता जिनका कर पा रहा हूँ। तो इसका आप बरगढ़ में कर रहे हैं ये जो ट्रीटमेंट, इसका क्या डेली कंसल्टिंग चार्ज कैसा रहता है, कुछ ऐसा कुछ बताएंगे उसके बारे में? थोड़ा बता दे तो अच्छा है कि वो तो भी मतलब एफोर्डेबल रेट है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे ऑपरेशन पर। हाँ, लोग मैंने दे पारे किसी प्रकार मेडिसिन किसी घिनवार की ना पड़े, इनको थोड़े आसपे ट्रीटमेंट करे, बहुत कम खर्चा से ट्रीटमेंट करा है। तो जब पेशेंट आएगा एक दो बार करने के बाद भी उसको असर मतलब मालूम हो जाएगा, उसका असर दिखना लगेगा उसको शरीर में? हाँ, किसी बीमार जिनका प्रारंभ ट्रीटमेंट आरम्भ हो थी से किसरे जल्दी टी कम। उसको 2-3 बार होने के बाद मतलब उसको थोड़ा तो पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको मालूम हो जाएगा ना दो बार करने के बाद? ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को टाइम दिया और आज आपने एक्यूपंचर के बारे में बताया, तो हम भी चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को मालूम हो। ये बरगढ़ में आपका थोड़ा एड्रेस बताएंगे सर? सत्यभामा डायग्नोस्टिक नियर गुल रेस्टोरेंट है। नमस्ते सर जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ। सर, आप ये जो एक्यूपंचर का ट्रीटमेंट है ये आप कब से ले रहे हैं सर? 6 दिन। 6 दिन हो गया। तो क्या प्रॉब्लम था सर जी? दर्द कर रहा था। तो ये लेने के बाद कुछ डिफरेंट आपको महसूस हो रहा है सर? हाँ, पूरा फ्री रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, ये ट्रीटमेंट कैसा है, क्या है, आप जो 6 दिन का आप एक्सपीरियंस लिए हैं इसके बारे में कुछ? पहला दिन तो सेंसेशन ऐसा ज़्यादा नहीं था, धीरे धीरे सेंसेशन बढ़ गया। हाँ हाँ।
मतलब आपको वो सेंसेशन का कुछ प्रॉब्लम था जो पता नहीं चल रहा था बॉडी में, ऐसा कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम था क्या? हां दर्द बहुत था, धीरे-धीरे रिलैक्स हो गया। रिलैक्स मतलब आपको बेनिफिट मिला है? आपको फुल बेनिफिट। ठीक है, थैंक यू सर, आपने बताए हमारे व्यूअर्स को। ओके ओके, थैंक यू सर। नहीं सर, मैं भी वो दो तीन पेशेंट को देखा हूँ मेरे सामने में भी, और ऐसा है कि हमारे बरगढ़ में ये ट्रीटमेंट के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और हाँ पेन का प्रॉब्लम, जो जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम बहुत लोगों के पास है, और जैसे ट्रीटमेंट अपना जैसे करते हैं सबों को बताना चाहते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद वही है कि ये जो कुपंजर का सर्विस है ये बरगढ़ में भी अवेलेबल है, तो लोगों को बताने के लिए बस एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ओके, थैंक यू थैंक यू।